दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल के धर्मशाला विधानसभा के मुख्य द्वार व दीवार पर खालिस्तानी झंडे लगाने व विदेश में बैठे पन्नू की धमकियों के बाद प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं। वहीं पांवटा साहिब में भी पुलिस व प्रशासन मुस्तैद हो गया है। इसके चलते शुक्रवार को SDM पांवटा विवेक महाजन, DSP पांवटा वीर बहादुर ने गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब प्रबंधक कमेटी के साथ एक बैठक की। इस दौरान बैठक में क्षेत्र में भिंडरावाला व खालिस्तान के झंडे को लेकर चर्चा की गई और लोगों से अपील की गई कि जनता किसी भी अफवाह में न आए। इस दौरान SDM पांवटा विवेक महाजन ने कहा कि हिमाचल में हिंदू सिख सहित अन्य समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पोस्टर या झंडे उनकी एकता और अखंडता को खत्म नहीं कर सकता। मैं वीर प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पांवटा साहिब, अभी SDM साहब ने जो कुछ दिन पहले हमारे धर्मशाला में किसी ने आम हमारी पब्लिक में जो है वो फर्क डालने के लिए वहाँ पर कार्रवाई की है, पूरा रात को वहाँ पर कुछ झंडे वगैरह लगा दिए। इस तरह का हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी ना कोई किसी की मांग है और हमारे सभी धर्मों के लोग जो हैं बड़े शांति प्रिय तरीके से रहते हैं। हमारी सरकार कोई भी हो चाहे, हर सरकार जो है हर पब्लिक को जो है वो उनके साथ तालमेल है। सभी धर्मों के लोग हम हिमाचल प्रदेश में शांतिपूर्वक रहते हैं। और यहाँ पांवटा साहिब में भी उन्होंने लिखा है कि पांवटा साहिब में एक विदेश से जो एक पन्नू नाम से जो कोई आदमी है उन्होंने लिखा है कि गुरुद्वारा यहाँ हम पांवटा से कोई एजिटेशन चलानी है, तो यहाँ पांवटा साहिब हमारे किसी किस्म की ना कोई ऐसी कोई डिमांड है किसी की, और सारे धर्मों के लोग गुरुद्वारा साहब में बिना ब्रेक ऑफ आकर के आपसे मिलजुल कर रहते हैं। तो हम सारी अपने देशवासियों से, हिमाचल प्रदेश खास करके हिमाचल के वासियों से यह है अपील करते हैं कि वो किसी किस्म के बहकावे में न आए और बड़े शांति प्रिय तरीके से जिस तरह से हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं इसी तरह से आप सब मिलजुल करके रहें और ऐसी अफवाहों की तरफ कोई ध्यान ना दें। आज हमने यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई थी श्री गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो है, प्रबंधक कमेटी जो यहाँ पे है, उसकी तरफ से जो हमारे प्रधान हैं हरभजन जी और जो वहाँ प्रबंधक हैं जगीर सिंह जी और हमारे सिंह साहब, ये सब जो हैं ये आए हैं। और जो अभी जो रिसेंटली जो पन्नू जो हैं जो जिन्होंने वहाँ से विदेश से जो है वो तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं और उसके संदर्भ में ये बुलाई गई थी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पांवटा साहब है वहाँ पे पूरा सांप्रदायिक सौहार्द जो है पूरी तरह से बना हुआ है और सब जो है मिलजुल के जो है वो रह रहे हैं। और इस प्रकार की जो बयानबाजी की जा रही है पन्नू द्वारा वो किसी भी तरह से जो है ये हितकारी नहीं है। तो इसी संदर्भ में इन्हें भी बुलाया गया था। ये भी काफ़ी आहत है कि इस तरह एक विदेश में बैठा हुआ जो आदमी है जिसको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे और वो ऐसे ही माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है चंद पैसों के चक्कर में, तो इसलिए हमने आपस में की थी। और ये हमारे साथ पूरा एक इसमें सामंजस्य रखते हैं कि हम सब मिल के जो है वो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो है हिंदू सिख एकता जो है पूरी तरह से कायम है और सब मिलजुल के जो है हर फंक्शंस में। अभी इनसे बात हो रही थी कि गुरुद्वारे में 75% तक जो है संगत जो है वो हिंदू लोग आते हैं और ऐसे ही हमारे किसी भी फंक्शन में यहाँ पे पांवटा साहब में जो हमारा सिख बरादरी है उसका बहुत बहुत जो है वो योगदान रहता है। तो इसी सिलसिले में हमने मीटिंग की थी। तो आज हरभजन जी भी हैं, आप चाहें तो उनसे भी बात कर सकते हैं, DSP साहब भी हैं, इन्होंने भी अभी इस बारे में पूरी डिस्कशन करी है। तो आप हरभजन जी से हमने जो प्रधान हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। ये आज SDM साहब की अध्यक्षता में हमारे गुरुद्वारा पांवटा साहिब से जो वहाँ के अध्यक्ष वगैरह हैं तो उनकी प्रयास में एक मीटिंग समन्वय मीटिंग जो है बुलाई गई थी। तो इसमें बाकी चीज़ें तो बतला ही गई हैं पर इसमें हमारा भी यही कहना है कि धार्मिक सद्भाव जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से शांत राज्य है और धार्मिक सद्भाव इसमें बना हुआ है। सभी धर्म आराम से रह रहे हैं, आपस में मिलजुल कर लोग यहाँ रहते हैं और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं चाहे वो बयानबाजी है चाहे वो किसी और झंडे को लेके किसी प्रकार का उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं तो उन सबको हम सचेत करना चाहेंगे कि हमारा पूरा प्रशासन, हमारी पूरी जनता चाहे वो किसी भी धर्म विशेष की हो, सभी आपस में जुड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन जो है पुलिस द्वारा सतर्क है
हमारी चाहे गश्त है, हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं। और हमारा लोगों से भी ये अपील है कि किसी प्रकार की अफवाहें जो है वो ना फैलाएं और एक धार्मिक सद्भाव पूरी तरह से बना रहे, और कोई भी किसी प्रकार की उनको लगता है कोई संदेहास्पद कोई स्थिति हो रही है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जा सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पौंटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।